ओम शांति। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्र घंटा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। मां चंद्र घंटा नारी का तीसरा स्वरूप, जब सुशिक्षित हो जाती है और संपूर्ण यौवन में आ जाती है, चंद्रमा के समान सौम्य स्वरूप, शीतलता प्रदान करने वाली विनम्रता, जिनके जीवन में एक आभूषण बन जाता है, साथ ही साथ वो हर रीति से एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसीलिए मां चंद्र घंटा को 10 भुजाधारी, हर भुजा में कोई ना कोई अलंकारों से वो सुसज्जित है। विवाहित जीवन में जब एक कन्या प्रवेश करती है, तब उसके अंदर बहुत सुंदर विचार होते हैं। नकारात्मकता भय से कोसों दूर होती है। बहुत सुंदर विचारों के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है। और इसीलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ उसको भेंट किया गया कि जिस तरह चंद्रमा संपूर्ण खिला हुआ होता है, तो सोले कला संपूर्ण माना जाता है। भावार्थ कि एक नारी भी विवाह से पहले सारी योग्यताओं से सुसज्जित हो जाती है, सक्षम हो जाती है। दूसरा, उसके नाम में घंटा, चंद्र घंटा नाम जोड़ा गया। कहा जाता है कि घंटा जब बजता है मंदिरों में, तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है, या वो ऐसा एक प्रभा मंडल तैयार हो जाता है जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। ठीक इसी तरह मां का ये स्वरूप या नारी का ये स्वरूप सकारात्मक ऊर्जा के साथ है, तो इसीलिए उसका सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि वो जीवन संगिनी बनकर जिस परिवार में विवाहित होकर के जाती है, कहा जाता वो दोनों कुल को तारने वाली बन जाती है। और इसीलिए उसके प्रति कभी अत्याचार करना महापाप है। मां चंद्र घंटा का कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। अगर एक नारी को प्रताड़ित किया गया, उसका शोषण किया गया, उसके ऊपर अत्याचार किए गए, देवी कभी भी उस व्यक्ति पर प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए नारी का यह तीसरा स्वरूप भी सम्माननीय है, पूजन योग्य है। तभी तो कई त्योहार भारत में ऐसे हैं जहां एक विवाहित स्त्री का भी इतना ही सम्मान किया जाता है। जब वो विवाहित होकर के एक बहू बन करके दूसरे घर में जाती है, तभी भी यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी का पदार्पण हो रहा है। तो इसीलिए ऐसी सुलक्ष्मी का जो सम्मान करता है, उनकी जो पूजा करता है, जो घर को भी धन धान्य से संपन्न करने वाली है, जब उसके प्रति ऐसी
श्रेष्ठ भावना होती है तो उस घर के अंदर कभी भी कोई आसुरी प्रवृत्ति या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। जिस तरह कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा सदैव के लिए दूर हो जाती है, तभी तो देखा गया कि जिस घर के अंदर कोई नारी न हो तो वो घर एकदम अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन जहां एक बहू जाती है तो पूरे घर को स्वच्छ करती है, वहां तक कि आंगन के अंदर भी वो स्वच्छता के प्रतीक रूप में रंगोली आदि डाल करके उसको सुंदर आंगन बना देती है, मकान को घर बनाने का कार्य करती है। तो इसीलिए नारी का ये स्वरूप भी बहुत श्रेष्ठ पूजन योग्य है। तो आज से हम अपने अंदर ये संकल्प ले कि कभी भी नारी के ऊपर कोई भी प्रकार का अत्याचार न करे, उसका शोषण न करे, लेकिन उसको हमेशा सम्मान देते हुए घर के अंदर रखोगे तो घर की शोभा बढ़ती जाएगी। कुछ क्षण के लिए अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और उस नकारात्मकता को दूर करते हैं। चलिए मां चंद्र घंटा देवी का ध्यान करते हुए स्वयं को हर योग्यता से, कुशलताओं से संपन्न करें। परमात्मा शिव से मन के तार को जोड़ते हुए उस परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त कर परमात्मा शक्ति की ऊर्जा सारे परिवार में, घर में फैलाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा जीवन के अनेक कार्य को सिद्ध करने की श्रेष्ठ ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को सार्थक करें। ओम शांति।